यूथ कांग्रेस के माध्यम से औरंगाबाद पूर्व विधानसभा में जन संवाद यात्रा निकाली गई। लोगों की समस्या क्या है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, तो ये सब में बड़ा इशू चंपा चौक का था। वो माध्यम से हमने जन संवाद यात्रा निकाली और लोगों से उनकी तकलीफें और उनको जो परेशानी हो रही है उसका वो ये माध्यम से उनसे पूछने को आया हम। और कुछ पार्टी के नेता उनके खुद के नाम के बैनर लगा रहे, बोर्ड लगा रहे और बता रहे कि इनकी निधि में से काम हुआ। ये निधि कोई खासदार आमदार नगर सेवक की निधि नहीं है। ये रोड माननीय राजन दादा जब आमदार थे, शिक्षण मंत्री थे, तो जब उन्होंने औरंगाबाद शहर के लिए, पूरे शहर के लिए, आप देखिए कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का नाम देकर किस तरीके की ये रोड बना रहे हैं। एक तरफ से इतनी ऊंचाई है कि अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो वो बिना देखे आएगी, पानी भरा होगा तो 100% पलट जाएगी। ये रोड को अगर अपन चारों तरफ से घुमा के अगर आप देखेंगे तो इससे निश्चित रूप से ये सिद्ध होगा कि जो किसी अनाड़ी कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया हुआ है। इसके ऊपर पहले जमाने में ये ड्रेनेज लाइन है, अब ये यहाँ एंड हो रही है हमारा। अब ये ड्रेनेज लाइन यहाँ उनको बोले डब छोड़ और छोड़ते बोले वो माल डाल दिए। अरे ये कोई खासदार की निधि से, आमदार की निधि से और कोई नगर सेवक की निधि से नहीं है। ये स्मार्ट सिटी का काम है। 300 करोड़ स्मार्ट सिटी को आए हुए और स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर के 100 रोड बन रहे। आज हम चंपा चौक पे युवक कांग्रेस और पूर्व विधानसभा सुशील लियाकत प्रधान की जानिब से चंपा चौक के जो इशू के बारे में, लोगों की जो परेशानी हो रही है उसके बारे में इशू बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं 2014 में जो 100 रोड पास हुए थे ये कांग्रेसी गवर्नमेंट में पास हुए थे और कुछ लोग और कुछ पार्टी के नेता उनके खुद के नाम के बैनर लगा रहे, बोर्ड लगा रहे और बता रहे कि इनकी निधि में से काम हुआ। ये निधि कोई खासदार आमदार नगर सेवक की निधि नहीं है। ये रोड माननीय राजन दादा जब आमदार थे, शिक्षण मंत्री थे, तो जब उन्होंने औरंगाबाद शहर के लिए, पूरे शहर के लिए 100 रोड का पास करके लाए थे, वो निधि 200 करोड़ की थी, बीच में उसको 100 करोड़ बढ़ा के 300 करोड़ की हो गई थी। और ये रोड 10 साल पहले जो रोड पास हुए थे, रोड 10 साल पहले से पास हुए। और अभी क्या हो गया कि ये पीछे जो रोड है वो 2 फीट ऊपर उठने के वजह से दूसरे रोडों को है ना इक्वल रोड बन नहीं पा रहे। चंपा चौक का चंपा रोशन गेट से चंपा चौक पे जो पानी है वो चंपा चौक पे जमा हो रहा। जिंसी चौरस्ते का जो पानी है आप इधर बताइए, जिंसी चौरस्ते का पानी जो है वहां से पूरा उतारे वो पूरा पानी यहाँ के चंपा चौक पे रुकने वाला है। इसको लपन ये चंपा चौक पे रुकने वाला है। और ये जो रोड बनाया हुआ है ना शाह बाजार का, ये खोद के बनाया मगर इसकी हाइट उठा दी है। अब ये हाइट हुआ तो यहाँ से पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ है। अब ये यहाँ पे आई है, अब इनसे पूछिए कि इनको कितनी तकलीफ है। भाई ये यार इतना रोड उठने की वजह से क्या तुम्हारे को तकलीफ है? तकलीफ ये है साहब कि पूरा पानी यहाँ तुम जाएगा और स्विमिंग पूल बन जाएगा, गर्मी के अंदर नहाना पड़ेगा यहाँ पे। पहले घर हमारा नीचे हो गया, रोड ऊपर हो गया। तकलीफ यही है, सिर्फ देख के अपने काम को बराबर सही करो और हमारा बोलना ही है। रोड उठा दिए उधर से, ये रोड भी उठेगा तो पानी पूरा इधर घुसेगा। अब वो बोले आधा इधर निकालेंगे, आधा इधर निकालेंगे, ये रोड भी उठ रहा। अब इधर आधा कैसा जाएंगे और इधर आएगा तो खैर आधा जा रहा हो पर आगे भी नाले का काम सही नहीं है। बोले भाई वो कर रहे इंजीनियर लोग है सब है उसमें, उनको समझने को होना। अब अपन ने तो बोले उसका जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है ना, जो इमरान साहब बोल के जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, वो अभी तक हमको देखने को कहीं मिले नहीं। इससे पहले भी जब राजा अपने माननीय खैरे साहब जब आए थे, जब हमने इमरान साहब को फोन मारे थे तो इमरान साहब आए नहीं, उसके पूरे सलिए बाहर निकल गए थे रोड के।
तो जब भी उन्होंने कुछ करे नहीं है, 6 महीने के बाद उसके ऊपर पैच वर्क करे सीमेंट का। और जब हम जो भी कांग्रेस के पार्टी के माध्यम से जब इनको हम लोगों की समस्या बताना चाहते, तो ये दूसरी जो पार्टी के जो लोग है वो बोलते कि अभी तुम ये काम मत करो, प्रशासन हमारा काम करने को तैयार है, मगर ये इनके दबाव में प्रशासन हमारा काम नहीं करता। ये काम स्मार्ट सिटी की निधि है, ये कोई खासदार आमदार नगरसेवक की निधि नहीं है, और इनने काम कोई पास नहीं कराया हुआ है पूरा इधर। अब ये ड्रेनेज लाइन है, अब ये यहाँ एंड हो रही है हमारा, अब ये ड्रेनेज लाइन यहाँ उनको बोले ढक छोड़ो, और छोड़ते बोले वो माल डाल दिए कच्चा, अब ये ढक छोड़ना चाहिए कॉन्ट्रेक्टर। अब ड्रेनेज कहाँ मिला, ये ड्रेनेज कहाँ मिलाना साहब, ये स्मार्ट सिटी और महानगर पालिका का कोई तालमेल नहीं है, तो कॉन्ट्रेक्टर इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा, वो किसी की नहीं सुन रहा, ना आम पब्लिक की ना अधिकारियों की, किसी की नहीं सुन रहा, अपनी मनमानी चला रहा। कॉन्ट्रेक्टर के जो लोग है हरीपुरी की बात कर रहे हैं, और इसी बात कर रहे हैं कि लोगों ने उनको मार देना, वो इतने हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको ये बता रहे कि ये जो रोड है ना चंपा चौक का, ये अपन चंपा चौक के बीचों बीच खड़े हुए, ये चंपा चौक का वो जोर उड़ा है तो कितना ऊंचा हो गया भाई, वो 2 फीट ऊपर उड़ गया भाई, तो हम चाह रहे हैं कि वो 10 फीट है ना वहां से तोड़ के, 10 फीट वो तोड़ के वापिस उसको नीचे इक्वल करके लेवल लेना चाहिए। और ये जो रोड आ रहा, ये जो रोड है ये 2 फीट है ना लोगों पे उड़ गया भाई, तो हम चाह रहे हैं इसको नीचे करना। अरे अब ये जब इतना अब ये लेडीज आके गिर रहे यहाँ पे, अब ये ऊपर झटके से गाड़ी चलाएंगे तो आगे एक्सीडेंट होना यार लाजमी है, तो हम चाह रहे कि ये रोड वो रोड और ये रोशन चंपा चौक जो रोड आ रहा उसको खोद के बराबर बनाना चाहिए। हमारा बोलना ये काम सही ढंग से करो और अच्छा करो, लोगों को तकलीफ मत दो। और ये कोई खासदार की निधि से, आमदार की निधि से, और कोई नगर सेवक की निधि से नहीं है, ये स्मार्ट सिटी का काम है। 300 करोड़ स्मार्ट सिटी को आए हुए है, और स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर के 100 रोड बन रहे। अब ये जो ये एक जो रोड बनाया हुआ है एजेंसी की तरफ जाने का, ये पूरा कम्प्लीट मुकम्मल बन चुका है, अब उसका पूरा ढलान पूरा यहाँ आने वाला है यहाँ पे, तो ये एरिया में पूरा पानी जमा होने वाला है, पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। अब इधर आइए, एक नाला है उसको बंद कर दिया उन्होंने, ये रोड ये जो रोड है 2 साल पहले बना था, हमारे वार्ड अभियंता भुए सर से हमने बात किए थे कि सर ये इसका पानी यहाँ जमा हो जाएगा और ये रोड डैमेज हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये रोड पानी जमा होकर डैमेज होगा, यहाँ से पानी निकलने को कोई जगह नहीं है। अब ये यहाँ से हमने इनको बोला था यहाँ पे पैच वर्क दो, यहाँ हमारे माध्यम से हमने उनको बताए थे कि यहाँ एक पैच वर्क देके पानी निकालो, तो पानी नहीं निकाले। अब ये यहाँ पे जो एक नाला जा रहा ये जो नाला जा रहा था वो टेम्पो तक नाला बनाए हुए उन्होंने, और एक सेफ्टी टैंक बनाए हुए, इसमें से आगे पानी कुछ निकल पास होने वाला नहीं है। और ये जो इसका जो बिल उठाए हुए है तो वो पूरा वहां तक पूरा बिल उठाए हुए उसका कि हमने पूरा बनाया बोल के, ये यहाँ से पानी पास होने वाला नहीं, उसको सेफ्टी टैंक डाल के उसको फिक्स कर दी हुए। अब ये इनसे पूछो इनकी समस्या क्या है, तो दुकान वालों से पप्पू भाई प्रॉब्लम बताओ आपको क्या तकलीफ है, तो सर ये पूरा चारों तरफ पूरा पानी इधर से जा रहा, पूरा पूरा तुम जाता पानी है, लगे पानी इधर दुकान में अंदर भी आ जाता, अंदर भी आ जाता सर। रात में उन्होंने 2 बजे रात को यहाँ से ये जो चंपा चौक से रोशन गेट तक का जो रोड है वो अच्छा बने हुआ है, उसको खोदना चालू कर दिए, कि हमारी एक किसी कॉन्ट्रेक्टर से प्रशासन से स्मार्ट सिटी से एक ही मांग है कि चेली चंपा चौक से चेलीपुरा जो रोड है पहले कम्प्लीट करो, और लोगों को गैर सुविधा होने दो, आने जो आवाज आते जाते लोग है तो उनकी गैर सुविधा होने दो मत, कि जब वो ये रोड भी खोद डालेंगे चंपा चौक का चेलीपुरा का रोड भी खुदेगा तो लोगों को आने जाने को बहुत तकलीफ होगी। हमारी एक मांग है कॉन्ट्रेक्टर से प्रशासन से स्मार्ट सिटी से
कि पहले चंपा चौक से चेलीपुरा तक पूरा रोड कमजोर किया जाए, फिर उसके बाद पर्यायी रास्ता लोगों के लिए चंपा चौक से चेलीपुरा खुला जाए, फिर बाद में चंपा चौक से रोशन गेट आप पूरा कम्प्लीट करो। अरे आप पूरे शहर में अधूरे काम करके छोड़े हुए, जिनसी पोलिस स्टेशन से खास गेट तक उन्होंने एक रोड बनाए, उसको आज एक साल हो गया, वो रोड बनाकर उन्होंने छोड़ दिया, सेट के प्योर ब्लॉक गट्टू वगैरह कुछ लगाए नहीं। कली मेरी रात को 2 बजे रात को किया सबकी रॉन्टी, उनका काम चालू था, तो जब हमारे जिनसी पोलिस ने किया गाड़े सर, उन्होंने बताया कि हमारे जिनसी पोलिस के सामने भी प्योर ब्लॉक ने बिठाए, अरे जिनसी पोलिस ऑलरेडी नीचे चल गया, पूरे शहर का पानी जिनसी पोलिस स्टेशन में आ रहा। कि जब ऐसा काम करो कि पूरे शहर में इक्वल रोड बनना चाहिए, स्मार्ट सिटी बोले तो किसको बोलते हैं, ऊपर नीचे वाली सिटी उसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं, कई गड्ढे कई ऊंचान कई दराव, जब इतना 300 करोड़ का तुम्हारे बजट आया तो बजट का पूरे तरीके से तुमने उसका फायदा उठाना चाहिए। यूथ कांग्रेस के माध्यम से औरंगाबाद पूर्व विधानसभा में जन संवाद यात्रा निकाली गई, लोगों की समस्या क्या है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, तो ये सब में बड़ा इशू चंपा चौक का था, वो माध्यम से हमने जन संवाद यात्रा निकाली और लोगों से उनकी तकलीफें और उनको जो परेशानी हो रही है उसका वो ये माध्यम से उनसे पूछने को आए हम। तो आप लोगों से पूछिए कि आपको क्या क्या तकलीफ है, चलिए आपको बताता हूँ कि लोग क्या क्या चाह रहे हैं आपसे, ये रोड किस तरीके से बनना चाहिए। आइए, इस वक्त जो काम कर रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब ही कर रहे हैं, बाकी कोई भी लीडर नहीं कर रहा, कमिश्नर साहब की बहुत मेहरबानी है, श्रीकांत सर की बहुत मेहरबानी है, जो शहर में अच्छे काम कर रहे हैं इस वक्त। हम तो बोलते अभी और 5 साल नगर से होना नहीं, ये जो रोड है चंपा चौक के बीचों बीच में ये नलका वाल है, ये वाल को कितना ऊपर उठा दिया देखो, अब ये वाल, अरे ये रोड ये मेकअप का बूंगा चंदो, इसके हिसाब से भी वो रोड उन्होंने ऑलरेडी बनाया है, तो वो भी मैच नहीं होने वाला है, और इसको तो तोड़ना है। ये अंधा कारोबार चढ़ा इसके ऊपर, पहले जमाने में जो खिले जो रोड खिले बने हुए महल बने हुए वो डैम के जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट ने रहते हुए भी उन्होंने अभी तक 2-2 साल काम टिका, ऐसा काम करके गए। आज के जो सिविल इंजीनियर है और प्रोजेक्ट मैनेजर है, आज गोंडी के जो गोंडी काम करते उनसे बदतर हो गए, कोई मैनेजमेंट नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि इसको समांतर आने को ना, इक्वल आने को ना रोड के साइड में। आइए, अब नवा रोड बनाए तो बताते कि उनको आगे के लोगों की समस्या जानते कि क्या है उनका। आइए सर, इसके नवे रोड को गड्ढा बने हुआ है, कौन से तरीके से कौन सा किस तरीके से बना रहे कुछ पता ही नहीं चला। ये अंडरग्राउंड में ये रोड 2 फीट ऊपर उठने वाला है, ये अंडरग्राउंड में पूरा पानी आने वाला है, और फ्यूचर में कभी ढक फूटी का औरंगाबाद शहर में कभी ढक फूटी गई तो पूरे शहर में पानी हो जाएगा और पूरे दुकानों में घरों में लोग पानी घुसेगा। तो हम बोले कि हम जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और जी श्रीकांत सर आयुक्त है, हम उनसे दरखास्त करते हैं कि आपका और महानगर पालिका का तालमेल तो एक तो है ही नहीं, उनका तालमेल मिला के लोगों का काम करके दीजिए। आप बताओ आपको क्या समस्या है रोड बनने से। ये थोड़ा बस बारिश का पानी हुआ था, कब होने वाली रोड का काम चालू होगा? होगा, अब वो आने वाले ही दोबारा रोड के काम के पहले वो चालू होती है ना, वो कुछ कहना नहीं। आज हमारे जो यूथ कांग्रेस का जो पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और स्पेशली जो महाराष्ट्र में जो समस्या है पूरे प्रदेश की प्रमुख समस्याओं को पूरे वार्ड स्तर से लेके विधानसभा स्तर तक, विधानसभा स्तर से लेके लोकसभा स्तर तक जितनी बड़ी बड़ी जो भी समस्या है पूरी सारी समस्याओं को हम लोग, हमारी यूथ कांग्रेस उठाने का काम कर रही है। उन समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा किस प्रकार किया जाएगा या फिर जो सरकार नहीं कर पाएगी तो हमारी कांग्रेस सरकार जब बनेगी प्रदेश में तो हम लोग इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। आप देखिए कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का नाम देकर किस तरीके की ये रोड बना रहे हैं, एक तरफ से इतनी ऊंचाई है कि अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो वो बिना देखे आएगी, पानी भरा होगा तो 100% पलट जाएगी। ये रोड को अगर अपन चारों तरफ से घुमा के अगर आप देखेंगे तो इससे निश्चित रूप से ये सिद्ध होगा कि जो किसी अनाड़ी कॉन्ट्रेक्टर को ये काम दिया हुआ है।
जो एक प्रमुख चौराहे पर एक रोड बनाने का काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ये जो पैसों की जो सरकार है, ये जो पैसे लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, इन सब लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लोग उल्टा सीधा जो काम कर रहे हैं, ये काम आप या तो सुधार दीजिए या बंद करवा दीजिए। अगर आपने ये कामों में सुधार नहीं किया, ये गड्ढों का भराव नहीं किया और आमजन इसी प्रकार परेशान रहे, तो यूथ कांग्रेस आगे और उग्र आंदोलन करेगी और इन सारी समस्याओं का समाधान हमारी कांग्रेस सरकार के समय पर होगा। अगर आप लोगों में थोड़ी भी शर्म है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर थोड़ी भी शर्म है, तो ये आम लोगों की जो समस्या है, इसका आप लोग समाधान करें।